आ गया किसान परावां दियां फसलां दा राखा, दुनिया दा नंबर वन उल्ली नाशक सेवरिन केमिकल्स दा स्कार्डियो प्लस। असी खड़े हां बलोट दे मेमेंट कॉलेज दे विच, ते अज श्रोमणी अकाली दल दे जनरल सकत्तर ते हलका साबका विधायक हलके दे हरप्रीत सिंह कोट भाई आए ने, क्योंकि समस्यावां मुलाजमां दियां सुनन वास्ते आए ने। एक पासे पंजाब सरकार चरणजीत सिंह चन्नी नूं मुख्यमंत्री बना के कांग्रेस हाईकमांड कुछ मैसेज देना चाहती है, सूबे के लोगों को दोबारा वोटा बटोरना चाहती है, तो दूजे पासे जिहड़े हालात ने चरणजीत सिंह चन्नी अज तो 5-6 महीने जिहड़े महकमे के कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उस दा इह कॉलेज है, वो अधीन है। चरणजीत सिंह चन्नी नूं बखूबी मजबूरियां इस कॉलेज दियां जां फंडां बारे पूरी जानकारी होने के बावजूद भी सरकार जिहड़ी है बेध्यानी दे चलदियां मुलाजम जिहड़े आ प्रोटेस्ट करन लई मजबूर ने। अज श्रोमणी अकाली दल दे जनरल सकत्तर हरप्रीत सिंह कोट भाई आए ने समस्यावां सुनन वास्ते। MLA साहब, ये बादल साहब की देन है, कॉलेज काफ़ी वड्डा तोहफा सी जदों मलोट दे विच कॉलेज का यह निर्माण होया, पंजाब भर के एक विलक्षण सी यह चीज़, पर अज ये हालात तुसीं सुने ने, ये मुलाजम जिहड़े आ तनखावां नूं तरस रहे ने, दिवाली भी इन्हां दी जिहड़ी आ उह काली नंगी है, ते सरकार दी बेध्यानी है, की है जी ये मामला जड़ा? हरदीप जी, बहुत अफसोस है इस गल दा, जिहड़ा इंस्टीट्यूट इस इलाके दा प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट, जिहड़ा बड़े लंबे समें तो इलाके दे नौजवानां नूं एजुकेशन दे रहा सी, इलाके दी सेवा कर रहा सीगा, ते सुपना सीगा सत्कारयोग बीबी सुरिंदर कौर जी बादल दा, सरदार प्रकाश सिंह जी बादल साहब दा, भी इस इलाके के बच्चों नूं दूर दुराडे जाके विद्या ना लैनी पवे, उन्हां नूं आपदे ज़िले च आपदे इलाके च ही एजुकेशन लैण दा मौका मिले। बड़े काबिल बच्चे इत्थे इलाके दे, ते उन्हां नूं मौका नहीं मिल रहा सीगा, सो बहुत वधिया ढंग नाल जिहड़ा इंस्टीट्यूट चल रहा सी, अज उहदे हालात ये हो गए है। पिछले लगभग एक साल तो जिहड़े टीचिंग अते नॉन टीचिंग स्टाफ दे मैंबर है, वो आपदियां तनखाहां वास्ते आपदे ग्रांट इन एड जिहड़ा इस इंस्टीट्यूट नूं बचाउण लई चाहीदी है, उहदे लई संघर्ष कर रहे हैं। अज मुलाजमां नूं कदे 3 महीने बाद, कदे 6 महीने बाद तनखाहां मिल रही हैं, इत्थों तक कि दिवाली भी इन्हां नूं काली मनाउणी पई। इहो जिहे हालात अज इस इंस्टीट्यूट दे बण गए, जिहड़ा किसी वेले इस इलाके च अज भी इस इंस्टीट्यूट दा बहुत वड्डा नाम है, तकरीबन 1100 बच्चे अज भी पढ़ रहे हैं, तो उस इंस्टीट्यूट नूं सांभण दी कोई कोशिश नहीं हो रही। तो उस उन्हां हालातां च जदों नवें मुख्यमंत्री साहब है, जिवें तुसीं दस रहे सीगे कि पहलां उह कैबिनेट मंत्री भी रहे टैक्निकल एजुकेशन दे, उह इन्हां हालातों तो वाकफ भी हैगे, उन्होंने आप सिफारिश की चिट्ठी भी की है भी इस कॉलेज नूं 5 करोड़ की ग्रांट देनी चाहीदी है, तो उस मीटिंग का भी वह हिस्सा सीगे जिहड़ी मीटिंग च मंजूर किया गया भी मिमिट कॉलेज नूं 5 करोड़ की ग्रांट दिती जानी चाहीदी है। इस सब के बावजूद फिरोजपुर ते गुरदासपुर नूं तां 15-15 करोड़ की ग्रांट रिलीज कर दिती जांदी है, सिर्फ मिमिट कॉलेज नाल वितकरा हो रहा है। इत्थों दे मुलाजमान नूं दिवाली भी काली मनाउणी पई, ते अज भी जिवें तुसीं देख रहे हो संघर्ष कर रहे लगातार ही, इन्हां वास्ते कोई सोच ही नहीं रहे। मैं तां बेनती करदा मुख्यमंत्री साहब नूं भी थोड़े खजाने तुसीं आप ही दस्सिया भी भरे है, ते बहुत सहूलतां तुसीं पंजाब दे लोकां नूं दे रहे हो, बिजली दे बकाए भी माफ़ कीते आ तुसीं, खड्डा भी हुण तुसीं दस्सिया भी रेते दे भी तुसीं रेट घटाउण लगे हो, पेट्रोलियम डीजल दे प्राइसिस भी तुसीं घटाए है, ते इह तां कोई बड़ी वड्डी इंप्लीकेशन भी है नहीं स्टेट दे बजट ते, इह तां 5 करोड़ दी ग्रांट है, इह भी काइंडली तुसीं जरूर रिलीज़ करो, ते इहनां मुलाजमां नूं जिहड़े मिमिट दे टीचिंग ते नॉन टीचिंग स्टाफ है, इहनां दे जिहड़ा दिमाग ते इक बोझ बणिया होया, जिहड़ी सरदर्दी बणी हुई है, इह आपदा जिहड़े फर्ज है जिहड़ा बच्चिआं नूं इहनां ने पढ़ाउणा है, इस काबल बणाउणा भी उह समाज 'च चंगे अफसर चंगे काम कर सकन, उस पासे ध्यान देने की बजाय अजे बेचारे इत्थे बैठे है, इन्हां दा भी खेड़ा छड़ाओ, कल्ला 5 करोड़ रुपए की गल है, जरूर छेती तो छेती रिलीज़ करो। एक MLA साहब, तुसीं विधानसभा की कार्रवाई जिहड़ी है असीं भी देखते हैं, तुसीं तां उत्थे मौके पर जाके डिप्टी स्पीकर नूं जां स्पीकर जिहड़े उस वेले ड्यूटी ते हुंदे ने उन्हां नूं संबोधन करके अपने हल्के दीआं समस्यावां दस्सदे हो। असीं भी सवाल कीता सी डिप्टी स्पीकर साहब नूं भी तुसीं उच्ची फसील ते बह के 116 विधायकां दीआं समस्यावां सुणदे हो, पर तुहाडे हल्के दीआं समस्यावां किहदे कोले दस्सियां जाण, तुहानूं लगदा नहीं भी नाकाम साबित होए ने डिप्टी स्पीकर अपने हल्के लई? देखो, मैं तां समझदा भी जदों कोई MLA बन जांदा एक इलाके चों, उहनूं उहदा ही फर्ज बन जांदा है भी उह इलाके च कोई भी मुश्किल जिहड़ी आउंदी आ उहनूं हल करावे,
ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਹੁਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਸਮਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੱਦ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉੱਚੀ ਸੀਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ MLA ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਆ ਗਏ, ਅਚਾਨਕ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਲਕੇ ਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਹੋ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਾਊ ਕਿੱਥੇ ਜੀ? ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਮ ਵੋਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ MLA ਦਾ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਮ ਵੋਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਮਿਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਹੈ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨੋਨ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ। ਇੱਕ MLA ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਠੀ ਮੱਲੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ MLA ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੀ? ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਉਹ ਬੇਟਾ ਮਾਣੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਾਰਡ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰ ਕੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪਿਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਓ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਪੁੱਤ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ ਜੀ? ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਾਲਜ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪਬਲਿਕ ਯੂਟੀਲਿਟੀ ਲਾ ਲਓ, ਐਡਵਰਡ ਗੰਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਐਡਵਰਡ ਗੰਜ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਪਸੀਆਂ ਗਲਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਲਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਕਾਲਜ 'ਚ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਲਚਰਲ ਇਵੈਂਟ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸ ਡੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਿਮਿਟ ਕਾਲਜ ਦੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਇੰਪਲੋਈ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 4 ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ,
तो ये जिहड़ी समस्या आ रही है ये भी स्पीकर साहब नूं चाहिए डिप्टी स्पीकर साहब नूं इहदा भी हल कढ़न इहदा नहीं होना चाहिए दुरवरतों पब्लिक यूटिलिटी दीआं जिहड़ीआं थावां है वो पब्लिक वास्ते छड़नियां चाहीदियां। असीं ये सवाल भी कीता सी उस दिन डिप्टी स्पीकर साहब नूं भी तुहाडा बेटा जिथे रहिंदा है वो चलो उन्हां दी समस्या उन्हां दी आवाज़ नूं तुसीं नहीं उठा सकते पर कॉलेज की जिहड़ी फंडां दी मान लो 4.5 लाख रुपए की कहिंदे बिजली फूक चुक्या उहदा बेटा वो कहिंदे भी उन्हां नाल गल करो हालांकि रिस्पोंसीबिलिटी उन्हां दी बनदी हैगी जवाब दे वो होने चाहिए ने बेटे को उहदा हैगा भी वो सानू यानी कि इस गल का जवाब दे डिप्टी स्पीकर जी के नाँ ते ये सब कुछ हो रहा हैगा उन्हां नूं जवाब दे नहीं होना चाहिए जी इस गल बिल्कुल जवाब दे होना चाहिए जो MLA है जो जनता का चुनिया नुमाइंदा है जो जनता की चुनिया हुई वोटों ना बतौर MLA तो बतौर डिप्टी स्पीकर सारिया सहूलतों का आनंद ले रहा है वो फर्ज भी बनते जनता प्रति जवाबदेह भी उही है उन्होंने जवाब देना चाहिए जे अज कोई उन्होंने बेटा गलती करता वैसे तो एक आम परिवार की भी जे गल करिए पिता आपके बेटे के हरेक कार्य जिम्मेवार भी होंगे जवाबदेह भी होंगे तो ये थोड़ी तो जिम्मेवारी उदू वड्डी है तुसी डिप्टी स्पीकर हो लोगों के चुने नुमाइंदे हो जे तुसी या थोड़ा परिवार का कोई जी गलती करता है तो उन्हें रोकना या लोगों को जवाब देना थोड़ा फर्ज है इनू रोकना गल नू टालना हरेक गल का हल नहीं हुंदा जे कोई चीज़ कंट्रोल करने वाली है उन्हें कंट्रोल भी करना चाहिए। तुसी अज आए हो इन्हां दी जिहड़ी आपां प्रॉब्लम ज़्यादा तुहाडा टाइम नहीं लैना क्योंकि होर मीडिया कर्मी तुहानूं उड़ीक रहे ने पर इन्हां दी समस्या नूं कित्थों तक श्रोमणी अकाली दल क्योंकि हजे तां सत्ता दे विच नहीं है पर तुहाडियां की कोशिशां होणगियां क्योंकि इन्हां दी आवाज़ तुसी किस तरह बढ़ोगे जी क्योंकि काफ़ी समस्या 5 महीनों तो इन्हां नूं तनखावां नहीं मिलियां हरेक तरह के खर्चे जिहड़े आ फैमिली दे हुंदे आ 1 महीना सैलरी ना मिले तो बजट जिहड़ा गड़बड़ा जांदा परिवारक जिहड़ा तुसी किस तरीके नाल इन्हां दी आवाज़ नूं अग्गे लिजाण दी कोशिश करो क्योंकि हुण तां एक दिन का सैशन सीगा वो भी खत्म हो चुका है सरकार आखिरी पल हैगे आ सरकार दे जी ते विश्वास तां तुसी दवाया जदों श्रोमणी अकाली दल की सरकार होंद चाही तां इन्हां दीआं इस तरह दीआं समस्या इन्हां नूं नहीं आउण दित्तियां जाणियां पर मौजूदा समें दे विच की कीता जावे क्योंकि ये प्रक्रिया जिहड़ी नवीं सरकार दी है घट्टो घट्ट 3-4 महीनों का समां लग जाता है लग जाता थोड़ी गल बिल्कुल जायज़ है 3-4 महीने पहले ही इन्हों समा टपा बड़ा औखा हो गया तो हूँ 3-4 महीने होर इन्हों उड़ीक करनी पेगी जे पैंदी है तो इन्हें इन्हों के परिवार वास्ते भी बड़ा औखा है। अज मैं थोड़े चैनल राही बाकी चैनल राही इन्हों की आवाज़ जी गूंगी बोली है पंजाब सरकार वो तक पहुँचाने की कोशिश है साड़ी तो उम्मीद मैं यही करता भी सरकार जरूर सुनूंगी जे नहीं सुनेंगे तो जॉइंट एक्शन कमेटी ना मैं तालमेल करके जो भी मेरी ये ड्यूटी लाएंगे जे कहेंगे भी रोज़ इतने साढ़े नाल बहना तो असं वो भी तैयार हैं 3 तो 5 ये बहते हैं असी इन्हों आपकी सारी जथेबंदी लैके भी इतने बैठने तैयार हैं जे होर भी कोई साड़ी ड्यूटी लाएंगे असी हाजिर हैं तो जिहड़ी तुसी गल कीती भी समा आउण ते गुरु महाराज मेहर करन मलोट दे ते पंजाब दे लोग साथ देन सरकार जदों बन गई उदों मैं विश्वास दिना भी सरदार सुखबीर सिंह जी बाल साहब नूं इत्थे भी लैके आवांगे ते जिन्नियां भी इन्हां दी समस्या भावें तनखाह दियां ग्रांट इन एड दियां या इंपलॉयज़ दियां होर भी मंगा है वो सारियां दा असीं हल करा के देवांगे पहल दे आधार ते पहलां भी इंस्टीट्यूट ये देनी आपां नूं बादल परिवार की है तो इहनू अगे तक लिजाण च उन्हां दा बड़ा वड्डा रोल सी सत्कारयोग बीबी सुरिंदर कौर जी बादल का तो इस बूटे नूं इस फुलवाड़ी नूं बचाउण लई जो भी करना पिया वो असी करांगे तो मैं विश्वास दवाना असी किसी गल तो पिछे नहीं हटांगे सारियां इन्हां दीआं मंगां पूरियां करके देवांगे। बिल्कुल सारियां मंगां नूं सरकार आउण ते पूरा कीता जाऊगा। MLA साहब दा इह कहिणा है भी जे इत्थे बहिणा भी पिया धरने दे विच उह बैठ के इन्हां मुलाजमां दी जिहड़ी आ उह आवाज़ जरूर बणगे। कैमरा परसन अमनदीप सिंह दे नाल हरदीप सिंह मलोट। आ गया किसान भरावां दीआं फसलां दा राखा दुनिया दा नंबर 1 उल्ली नाशक सेवरिन कैमिकल्स दा स्काडियो प्लस फसल दा झाड़ वधावे वजनदार अते चमकदार दाणे उल्ली रोग कोई भी होवे स्काडियो प्लस है उल्ली रोग दा पक्का हल किसान भरावां दा सच्चा ते फसलां दा पक्का साथी स्काडियो प्लस उल्ली दा खात्मा।